क्या आपको पता है कि पूरे भारत में जितने भी लोग हैं ना, उसमें से 70% लोग दूध का प्रयोग करते हैं, यानी कि दूध को पीने में उपयोग करते हैं। लेकिन इन सारे लोगों को ये बात पता नहीं होंगे कि जो दूध है ना, तो उनमें से दो क्वालिटी के दूध आते हैं। एक होते हैं नॉर्मली गाय का और एक होते हैं भैंस का। लेकिन ये दोनों दूध के अंदर नहीं पता होंगे। तो गाइस, आप लोग इस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। तो गाइस, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरा डायरेक्टली इस वीडियो को बनाने का मकसद था ना, तो आप लोग को दोनों का अंतर बताना है। तो आप लोग को पता नहीं होगा, तो चलिए हम बता देते हैं। जो गाय का दूध है और भैंस का दूध है, तो ये दोनों में हम अंतर बता रहे हैं। तो आप लोग इधर ध्यान से सुनिए, ताकि आप लोग को समझ में आ जा सके कि ये आखिर ये अंतर क्या है। तो देखिए, नॉर्मली डॉक्टर के द्वारा यही सजेस्ट आता होगा कि नॉर्मल बच्चे को गाय का दूध ही देना चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ पर डॉक्टर बोले, लेकिन वहाँ पर देखिए किस कारण से बोले ना, वो ये कारण है कि जो डॉक्टर बोले कि गाय का दूध, तो देखिए गाय का दूध में 90% पानी होता है, यानी कि थोड़ा पतला होता है। और इनमें जो भैंस का दूध है ना, इसमें 60% फाटर होता है और इसमें 90% होता है। तो देखिए, ये थोड़ा उसके तुलना से ये थोड़ा मोटा होगा ना, तो इस कारण जो ये गार है, ये डीप है और ये थोड़ा मतलब फीका, यानी कि ये थोड़ा पतला है गाय का दूध। तो गाय का दूध जल्दी हजम हो जाता है, यानी कि जल्दी पच जाते हैं। और जो भैंस का दूध है ना, वो बच्चे में थोड़ा वो मुश्किल काम होता है, इसलिए बच्चे और लगभग वही 60 से अबव एज वाले लोगों के लिए वो गाय का दूध सजेस्ट करते हैं। और गाय का दूध वैसे ही शुगर पेशेंट को दिया जाता है, क्योंकि उसमें जो गाय का दूध है ना, उसमें क्रीम का मात्रा बहुत ही कम रहता है। और अगर हम लोग बात करें भैंस के दूध में, तो उसमें क्रीम का ज़्यादा उपयोग होता है, जिसके कारण ही वो ऐसा होता है ना, जो हम लोग बाज़ार में खाते हैं ना आइसक्रीम वगैरह, तो उसमें जो क्रीम का प्रयोग किया जाता है ना, तो वो बेसिकली रहता है भैंस के दूध का। और यही जो कारण है ना, भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा बहुत ही अधिक होती है गाय के दूध के तुलना से। और जो होते हैं ना, गाय के दूध में कैल्शियम की मात्रा बहुत ही कम होते हैं, अगर हम अपेक्षा करें भैंस के दूध से। तो भैंस के दूध में वो कैल्शियम की मात्रा ना काफ़ी अधिक होते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर बोला जाता है डॉक्टर के द्वारा कि जिसका मतलब कैल्शियम की कमी है, उनको गाय का दूध ना दे, ये भी सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो गाइस, आप लोग को वीडियो समझ में आ गया ना, तो वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।